नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। देश के 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों के लिए आज शुक्रवार को चुनाव होगा। राज्यसभा की 19 सीटों में आंध्र प्रदेश और गुजरात से 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 3-3, झारखंड से 2 और मणिपुर, मिजोरम तथा मेघालय से 1-1 सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि 19 जून की शाम में ही सभी 19 सीटों के लिए मतगणना होगी। महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतदान के लिए समुचित प्रबंधन किए हैं। प्रत्येक मतदाता के शरीर के तापमान की जांच की जाएगी और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया जाएगा। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के गढ़वा और पलामू में झमाझम बारिश हो रही है। बताते चले कि मानसून के आगमन के साथ प्रतिदिन बारिश हो रही है। प्रतिदिन बारिश होने के कारण जिले में प्रायः खेती का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। झारखंड के 4500 विद्यालय मॉडल स्कूल में अपग्रेड होंगे। झारखंड में 4500 सरकारी विद्यालय मॉडल स्कूल में अपग्रेड के रूप में विकसित होंगे। हर पंचायत में ये स्कूल लीडर स्कूल की भूमिका में रहेंगे। स्कूल की बिल्डिंग, क्वालिटी, टीचर, छात्र शिक्षक अनुपात, स्मार्ट क्लास की बेहतर व्यवस्था होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था दी जाएगी कि अभिभावक के मन में विश्वास हो जाए कि सरकारी स्कूल निजी विद्यालयों से कम नहीं है। सभी पंचायतों में फिलहाल एक एक स्कूल को लीडर स्कूल बनाया जाएगा। इस स्कूल को देखकर अगल बगल वाले स्कूल में भी सीख लेंगे। हर पंचायत के लीडर स्कूल में पहली से 12वीं तक पढ़ाई होगी। झारखंड में आज 23 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो सिमडेगा 9, गढ़वा 4, रांची 2, लातेहार 2, गुमला 2, रामगढ़ 1, हजारीबाग 1, पूर्वी सिंहभूम 1, लोहरदगा 1 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1896 से बढ़कर 1919 हो गई, जबकि 1198 लोग स्वस्थ हुए और 11 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 381,091 है, जबकि 251,082 लोग स्वस्थ हुए और 12,604 की मृत्यु हो गई। झारखंड में 11वीं मौत, हजारीबाग निवासी। झारखंड में संक्रमण से 11वीं मौत हुई है, जो हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में हुई है। मरीज की मौत बुधवार को ही हो गई थी, जो गुरुवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मृतक व्यक्ति हाल में ही में मुंबई से लौटा था। मृत व्यक्ति का उम्र 47 वर्ष बताया जा रहा है। ऐसे में झारखंड में अब संक्रमण से मरने वालों की संख्या 11 पहुंची है। झारखंड में 1.70 लाख टन यूरिया की जरूरत। झारखंड में किसानों के लिए 1.70 लाख टन यूरिया की जरूरत भारत सरकार को बताई है। वही मानसिक आवंटन प्लान भी केंद्र को भेजी है। यूरिया की कीमत प्रति बैग 265.50 रुपये निर्धारित की गई है। कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी पर नज़र रखने का निर्देश सभी जिला के कृषि पदाधिकारी को दिया है। जिला स्तर पर उड़नदस्ता का भी गठन किया गया है। साथ ही खाद विक्रेताओं को भी निर्देश दिया गया है कि सरकार द्वारा तय कीमत पर ही खाद बेचे। शहीद गणेश हंसदा को दोस्तों ने अनोखे अंदाज में दी श्रद्धांजलि। चीन की सेना से लोहा लेते हुए लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए पूर्वी सिंहभूम के बरहागोड़ा के रहने वाले गणेश हंसदा के पार्थिव देह को रांची और फिर रांची से जमशेदपुर ले जाने की तैयारी चल रही है। दोस्तों ने उन्हें अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। गुरुवार को साथियों ने बरहागोड़ा प्रखंड अंतर्गत चिगड़ा पंचायत में गलवान घाटी का प्रारूप बनाकर अपने शहीद यार को श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा चुनाव में पहली बार इस्तेमाल होगा मिरर बूथ। नए विधानसभा भवन में राज्यसभा के लिए मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज शुक्रवार को चुनाव होना है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर झारखंड विधानसभा में 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर विधायकों के लिए मिरर मतदान केंद्र बनाया गया है। मिरर मतदान केंद्र में वैसे वोटर मतदान करेंगे जो या तो संक्रमण पॉजिटिव हैं या फिर संदिग्ध हैं। चुनाव आयोग ने इस तरह का मतदान केंद्र पहली बार बनाया है। आपको बता दें कि मतदान आज 9 बजे से शुरू होगी और 4 बजे तक चलेगी, जिसमें 79 विधायक हिस्सा लेंगे। मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह में आएगा। जैक ने जुलाई के पहले सप्ताह में मैट्रिक और इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। कॉपियों के मूल्यांकन के साथ साथ परीक्षार्थियों के अंक भी अपलोड किए जा रहे हैं, ताकि जल्द परीक्षा फल घोषित किया जा सके। जैक ने बताया कि 25 जून तक मूल्यांकन कार्य समाप्त हो जाएगा। इसके बाद रिजल्ट अपलोड करने में ही वक्त लगेगा।
ऐसे में जुलाई के पहले सप्ताह तक मैट्रिक और इंटर के तीनों संकाय के रिजल्ट प्रकाशित हो सकेगी। 5 लाख से ज़्यादा के कारोबार पर प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। झारखंड सरकार ने राज्य में प्रोफेशनल टैक्स के दायरे को बढ़ा दिया है। बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें वे लोग भी सम्मिलित हैं जो पूर्व में टैक्स नहीं दे रहे थे या किसी कारण से वंचित थे। मालूम हो कि इसके दायरे में सरकारी कर्मचारी से लेकर डॉक्टर पत्रकार तक आते हैं। सरकार ने प्रोफेशनल टैक्स 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए सालाना, टर्नओवर पर 1,000, 10 लाख से 25 लाख रुपए पर 1,500, 40 लाख तक 2,000 और 40 लाख से अधिक पर 2,500 रुपया रखा है। ITI संस्थान के कार्यालय खोलने का आदेश जारी। राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी व निजी ITI संस्थान के कार्यालय को खोलने का आदेश जारी किया है। सभी अनुदेशकों सहित कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस संबंध में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि महामारी से बचाव के दिशा निर्देश का पालन करते हुए सभी संस्थान अपने कार्यालय खोल सकते हैं। आपको बता दें कि संस्थान में अभी पढ़ाई नहीं होगी, इस पर बाद में निर्णय होगा। 30 जून तक बिना लाइसेंस नहीं चलाए गाड़ी। DGP के निर्देश पर राज्य के सभी 24 जिलों में दोपहिया वाहनों की सघन जांच को लेकर अभियान शुरू किया गया है। यह 30 जून तक चलेगा। दोपहिया वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, गाड़ी का पेपर और मास्क पहनना अनिवार्य है। आपको बता दें कि इसमें से कोई भी चीज़ नहीं रहने पर चेकिंग के दौरान चालान कटेगा। साथ ही मास्क नहीं पहनने पर लॉकडाउन उल्लंघन का केस भी दर्ज हो सकता है। ऐसे में जिन लोगों के पास उपरोक्त चीज़ें नहीं हैं वे 30 जून तक वाहन नहीं चलाएं। SP व DIG पुरानी शिकायतों की भी जांच करेंगे। पुलिस मुख्यालय में रोजाना किसी न किसी जिले से विभिन्न मामलों की शिकायत आती है, लेकिन सभी मामलों को जांच के लिए पहले जिले के SP और रेंज DIG को नहीं भेजा जाता था, लेकिन अब सभी तरह की शिकायतों का निपटारा करने का निर्णय मुख्यालय स्तर पर लिया गया है। आपको बता दें कि इसी के मद्देनज़र 3 से 4 साल से लंबित शिकायतों को भी संबंधित जिलों के SP व DIG को भेजा जा रहा है। झारखंड में तंबाकू उत्पाद पर पूर्ण प्रतिबंध। झारखंड में संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बीच सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने एवं किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन होने पर धारा 188, 268, 269, 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी करते हुए सभी जिला उपायुक्तों को आदेश जारी किया है। सरकारी एवं निजी कार्यालयों सहित सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू एवं इसके अन्य उत्पादों को उपयोग पर प्रतिबंध जारी रहेगा। पलामू में 47 लोगों को मिला प्रशस्त पत्र। पलामू उपायुक्त डॉक्टर संतनु कुमार अग्रहरी ने कहा कि संक्रमण के कारण उत्पन्न लॉकडाउन के दौरान विभिन्न संस्थाओं तथा समाजसेवी व्यक्तियों के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों को काफ़ी मदद मिली है। यह पलामू के रचनात्मक समाज की सक्रिय भूमिका का एक उदाहरण है। उपायुक्त ने विभिन्न संगठनों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और सम्मान समारोह में कुल 47 संस्थानों तथा समाजसेवी व्यक्तियों को प्रशस्त पत्र व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले से होटल रेस्टोरेंट में न कराए काम। राज्य सरकार ने होटल रेस्टोरेंट ढाबे व अन्य सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि वे अपने यहाँ किसी ऐसे कर्मी को काम पर न रखें जो कंटेनमेंट जोन में रहता हो। सभी प्रतिष्ठान संचालन इसकी लगातार समीक्षा करते रहें। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सह खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों से इसका सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया है। रांची सदर अस्पताल में ऑनलाइन कटाए पर्ची। रांची सदर अस्पताल में टोकन सिस्टम से इलाज शुरू होने के बाद अब ऑनलाइन लिंक के जरिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा दी जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर ने बताया कि मरीज व उनके परिजनों को अस्पताल आने के बाद घंटों कतार में लगना होता था, जो अब ऑनलाइन लिंक के माध्यम से लोग घर से ही पर्ची कटा कर इलाज करा सके। खुद से रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म को प्रिंट आउट कर उसका प्रिंट आउट लेकर आने से डॉक्टर से सीधे उपचार करा सकते हैं।
कोडरमा में सीआरपीएफ व नक्सली के बीच मुठभेड़। झारखंड के कोडरमा में सीआरपीएफ और नक्सली के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की सूचना है। यह घटना कोडरमा जिला के सतगावा प्रखंड की है। बता दें कि गुरुवार दोपहर सीआरपीएफ 22F बटालियन और जिला पुलिस के संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई। इस अभियान में एक AK-47 राइफल और रेडियो सेट मिली है। लद्दाख रवाना हुए मजदूर कश्मीर में क्वारंटाइन। बीआरओ के माध्यम से संथाल के विभिन्न हिस्सों से लद्दाख में चीन सीमा पर सड़क बनाने गए मजदूर कश्मीर के गंदबल जिला के बाल्टन क्षेत्र में बीआरओ के कैंप में है। उन्हें वहां क्वारंटाइन किया गया है। बता दें कि सड़क निर्माण का कार्य जुलाई में शुरू होगा। शहीद जवान को राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। चीनी सैनिक के साथ हुए झड़प में शहीद हुए पूर्वी सिंहभूम के बरहाल गोड़ा के जवान गणेश हंसदा का पार्थिव शरीर गुरुवार शाम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पहुंचते ही राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एयरपोर्ट पहुंचे और शहीद गणेश हंसदा के पार्थिव शरीर का पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की सीमा की रक्षा करते झारखंड के 2 लाल शहीद हुए हैं। गर्व के साथ साथ मन में गम भी है। दुख के इस समय राज्य सरकार शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है। देवघर में सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 6 माह की जेल। देवघर DC नैसी सहाय ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। वर्तमान में पान मसाला खैनी जर्दा गुटखा खाकर यत्र तत्र थूकने से खतरा बढ़ता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर थूकना तो 6 माह की जेल हो सकती है। सरकार का फैसला, आज से खुलेंगी कपड़े और जूते चप्पल की दुकानें। महामारी के बीच देश भर में लागू लॉकडाउन से पूरी तरह उभरते हुए हेमंत सरकार ने गुरुवार को अहम फैसला लिया है। झारखंड सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए कपड़े और जूते चप्पल खोलने की इजाज़त दे दी है। शुक्रवार से सारी दुकानें खुल जाएंगी। देश और विदेश से 1594 प्रवासी लौटे लोहरदगा। देश के विभिन्न राज्यों और विदेश से गुरुवार को 1594 प्रवासी लोहरदगा पहुंचे। इनमें से विभिन्न राज्यों से 1579 और विदेश से 15 प्रवासी सम्मिलित हैं। सभी का स्क्रीनिंग के पश्चात 1545 लोगों को होम आइसोलेशन तथा 25 लोगों को सरकारी आइसोलेशन वार्ड और 9 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया। लॉकडाउन में निलंबित हुए पुलिसकर्मियों के कारणों की होगी समीक्षा। राज्य भर में अलग अलग वजहों से निलंबित हुए पुलिसकर्मियों के मामले की समीक्षा होगी। DGP MB राव ने सभी जोन के DIG से 25 जून तक रिपोर्ट की मांग की है। सभी जोन के DIG से यह मांगा गया है कि उनके जोन के जिलों में कितने पुलिसकर्मी किन किन वजहों से निलंबित किए गए हैं। एक्टिव केस कहाँ कितना। पूर्वी सिंहभूम 226, सिमडेगा 100, कोडरमा 87, रांची 51, रामगढ़ 44, हजारीबाग 39, गुमला 37, पश्चिमी सिंहभूम 34, जामताड़ा 26, चतरा 20, सरायकेला 19, लातेहार 13, पाकुड़ 13, लोहरदगा 10, गढ़वा 10, गिरिडीह 7, खुट्टी 6, धनबाद 6, बोकारो 3, पलामू 1 हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।